और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, सीए पर विरोध के बीच में तेलंगाना में आधार अथॉरिटी की तरफ से 127 लोगों को नोटिस भेजा गया है और आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि अपनी नागरिकता साबित करने के लिए नोटिस भेजा गया है। और सीधे असदुद्दीन ओवैसी ने अब सीधे आरोप केंद्र सरकार पर लगाया है कि इस तरह का नोटिस देना गैर कानूनी है। जो शख्स भी कानून के हिसाब से भारत में 6 महीने से रह रहा हो उसे नागरिकता हासिल करने का दावा करने का पूरा अधिकार है, लेकिन इस नोटिस को गैर कानूनी करार दिया जा रहा है। विक्रांत यादव हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। विक्रांत, दरअसल इस पूरे मामले पर अब जो बात सामने निकल कर आ रही है, UIDAI की ओर से कहा गया है कि हमने नागरिकता साबित करने के लिए नोटिस नहीं भेजा है, आधार की वैलिडिटी के लिए नोटिस भेजा गया, लेकिन यह विवाद खड़ा हुआ नोटिस दरअसल किस लिए दिया गया। देखिए, जो नोटिस आया UIDAI की तरफ से इस मामले में, ये कहा जा रहा है कि उसमें लिखा हुआ है कि आपका जो आधार कार्ड है वो गलत दस्तावेजों के आधार पर बना हुआ है, तो उसे आप प्रमाणित कीजिए कि कब से रहते हैं, तो उसको नागरिकता से जोड़ा गया है। और सरकार का साफ ये कहना है कि अगर किसी ने गलत दस्तावेजों के आधार पर अपना आधार कार्ड बनाया तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ शिकायत की जा सकती है और उसके खिलाफ एक्शन भी हो सकता है। यहाँ तक कि अगर कोई बीजेपी का तो यहाँ तक कहना है कि अगर कोई सांसद भी गलत दस्तावेजों के आधार पर अपना कोई दस्तावेज बनवाता है आधार जैसा दस्तावेज, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई कानून में मुमकिन है और कार्रवाई हो सकती है। तो इस मामले में अगर उन्होंने गलत दस्तावेजों से बनाए तो उन्हें सफाई देनी होगी और इस मामले में असदुद्दीन ओवैसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए, ये बीजेपी का पक्ष है। शुक्रिया। तो अब इस नोटिस पर लगातार सियासत भी